हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. दिस इज़ आकाश चलमुले. वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है. आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि निकली है ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश की तरफ से. ठीक है, इसका एग्ज़ाम लेने वाला कौन है? संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट रायबरेली लखनऊ उत्तर प्रदेश. ओके, HGPGIMS. ओके, ये जो एडवर्टाइजमेंट है कहाँ पे अपलोड हुई है? HGPGIMS के वेबसाइट पे, HGPGIMS. ओके, ठीक है, इसके वेबसाइट पे ये एडवर्टाइजमेंट अपलोड हुई है. ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की ऑथराइज जेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये मेडिकल कॉलेज उसको दिया. किसका किसका रिक्रूटमेंट है? जो कि स्वशशि राज्य चिकित्सा महाविद्यालय. ओके, जो उत्तर प्रदेश के स्टेट मेडिकल जो कॉलेजेस है. ओके, जो कि ऑटोनॉमस है और सेल्फ फंडिंग कुछ या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट निकली है. ओके, और आपको बता दूँ ये बहुत भारी मात्रा में रिक्रूटमेंट निकली है, जो कि रिक्रूटमेंट है 2022-23 की रिक्रूटमेंट से जानी जाती है. ठीक है, अब इसकी हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखेंगे. इसमें हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, सैलरी देखेंगे, एज देखेंगे, देन हाउ टू अप्लाई फॉर्म, ये सब यहाँ पे देखने वाले हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत आप देख पाए. ओके दोस्तों, मैं आपको बोल दूंगा कि आप ये वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूँ. ठीक है, पूरा यहाँ पर बताने वाला हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट. ओके, डिटेल एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम थ्रू ऑनलाइन मीडियम CRT. ओके, 2022-23. अब यहाँ पे क्या बोला, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्सपेक्टेड टू एक्टिव फ्रॉम फेब्रुआरी 10, यानी आज से 10 फेब्रुआरी से शुरू हो जाएंगे. कहाँ पे? HGPGIMS के वेबसाइट में. ओके, आपको ये वेबसाइट विजिट करना है और यहीं से आपको फॉर्म भरना है, www.hgpgims.org.in. यहीं से ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, जो कि बता दूँ HGPGI का जो एग्ज़ाम है, जो लास्ट ईयर में जो वैकेंसी निकली थी, ठीक है, उसका एग्ज़ाम अभी 18 फरवरी को है. ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि वो एडवर्टाइजमेंट अलग है और ये एडवर्टाइजमेंट अलग है. ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के जो स्टेट मेडिकल कॉलेज है उनके लिए. अब कहाँ कहाँ पे निकली है? उत्तर प्रदेश के स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, अयोध्या, बस्ती, भरीच, फिरोजाबाद, शाहजहानपुर, इटा, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, मिर्ज़ापुर एंड जौनपुर. ओके, ये सब मेडिकल कॉलेज में ये टोटल वैकेंसी निकली है. अब यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैंडिडेट को बार बार अपनी वेबसाइट HGPGI की वेबसाइट ये करना है, वहाँ पे पूरा शेड्यूल मिल जाएगा. ओके, एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज रहेगा वो बोथ इंग्लिश और हिंदी में रहने वाला है. सिलेबस, पैटर्न, मार्किंग, क्वालिफाइंग जो भी एग्ज़ाम ये रहेगा वो आपको बताऊंगा. ओके, 80% जो अगर 100 मार्क्स की टेस्ट है तो उसमें से क्या होगा, 80 मार्क्स आपके काय के बनेंगे, नर्सिंग के बनेंगे, 20 मार्क्स इसमें से ये बनेंगे प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग वर्क, यानी प्रैक्टिकल क्लिनिकल बेस्ड MCQ आएंगे इससे. उसमें से 10% 10 MCQ किसके आएंगे, ये प्रैक्टिकल बेस्ड, और बाकी 10 रहेंगे वो कोविड से रिलेटेड MCQ आएंगे. दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कोविड से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं,
और आगे भी बनाऊंगा, वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, लर्न नेक्स्ट नाम से है, वहाँ पे COVID-19 से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओके, सिलेबस पूरा AGPGI की वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, वो देख लीजिए, ठीक है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, तो आप डरो मत, पूरे के पूरे MCQ क्लिक करके आना है, ठीक है। लैंग्वेज बहुत हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है, ठीक है। अब हम मैं बता दूँ यहाँ पे फिलिंग प्रोसेस, अप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस किस तरीके से रहने वाली है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सबसे पहले, देन बैलेंस जो भी डिटेल रहेगी वो भर दो, फोटो सिग्नेचर अदर डॉक्यूमेंट लगा दो, पेमेंट भर दो एंड अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो। और अप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है, ठीक है, वो संभल के रखना है, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन वो आपको पूछेंगे, ठीक है। अभी हम आगे का देखेंगे, आगे का क्या लिखा है। अब वैकेंसी पोजीशन देख लेते हैं हम, कहाँ पे कितनी वैकेंसी कौन से कैटेगरी की निकली है। अब यहाँ पे देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑटोनॉमस बॉडी, ओके, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, 22-23 की रिक्रूटमेंट है, स्टाफ नर्स पोस्ट है। देन कितनी है टोटल वैकेंसी है, 1974 वैकेंसी है पूरे कहाँ पे, यूपी के स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। अब उसमें से SC की 415, ST की 39, OBC की 533, EWS की 197, UR की 790। आपको बता दूँ, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो, जैसे अभी महाराष्ट्र का जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो अगर यूपी के लिए अप्लाई करते हैं, आप सीधे सीधे ओपन में चले जाओगे, क्योंकि अगर आप यूपी के रहने वाले हो, देन ओनली आपको ये सब जो कैटेगरी है वो आपको मिलेगी, इसमें आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र के SC भी हो, ST भी हो, कोई भी हो, OBC भी हो, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको ओपन से फॉर्म भरना पड़ेगा, ओके। आपको फॉर्म भरते टाइम पे आपको पता चल जाएगा। इसमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखते, वुमन के लिए 20% है, तो उसमें से 1974 वैकेंसी में से वुमन को 394 सीट्स उनके लिए है। दिव्यांग के लिए 78 है, एक्स सर्विस मैन के लिए 98 है, फ्रीडम फाइटर के जो डिपेंडेंट है उनके 39। तो ये सब रिजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इसमें बैठते हो तो, ठीक है। देखिए 974 वैकेंसी बहुत बड़ी है और यहाँ पे 80-20 का फॉर्मूला नहीं है, बट 80-20 का फॉर्मूला नहीं है, बट क्या है यहाँ पे, उन्होंने क्या किया है कि फीमेल का कोटा दिया है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो फीमेल का कोटा 394, 20%, ओके। चलिए अब आगे का देखते हैं हम। अब यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर दिया है, फीस आपको कितनी कितनी भरनी है। अब फीस देख सकते हो यहाँ पे, ओपन से अगर आप अप्लाई करते हो तो 1000 रुपीज फीस है आपकी अप्लीकेशन फीस, उसमें GST 180, ओके, 1180 रुपीज आपकी टोटल फीस लगने वाली। OBC EWS के लिए भी सेम ही फीस है, SC ST को कम हो गया, 600 प्लस 108 ऐसी फीस लगने वाली है आपको। ऑल द रिक्रूटमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ UP, ओके, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन लगने वाले हैं, ओके। ये है, ये जहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है उसका नाम है स्वशयी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय आदिनष्ट नर्सिंग अराजपत्रिक सेवा परिनियमावली 2023, ओके। ऐसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। स्टेट मेडिकल कॉलेजेस की वैकेंसी है यूपी की पूरी, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या लिखा है यहाँ पे। एज लिमिट, अब एज लिमिट आपको क्या है, आप एज लिमिट आपको बता देता हूँ, आप 21 से 40 के बीच में आते हो, ओपन के अगर कैंडिडेट हो, EWS के कैंडिडेट हो, तो आप इसके बीच में आते हो, 21 से 40 के बीच में, तो आप फॉर्म भर सकते हो, ओके। और एज कंसिडरेशन 1 जनवरी 2023 की कंसिडर की जानी चाहिए, ओके। आप 40 के बीच 1 जनवरी 2023 ये कंसिडर किया जाएगा, ओके, ठीक है। तो चलो आपको बता दूं, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आप यूपी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन पता है आपको, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी SC ST OBC के लिए जो भी
एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है वो आपको लागू हो जाएगा। अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हो और एट प्रेजेंटली अभी यूपी गवर्नमेंट की जो भी ऑटोनॉमस बॉडीज की वैकेंसी निकले उसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 3 साल या एक्सपीरियंस, फुल टाइम एक्सपीरियंस अगर है आपके पास, तो आप 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे एस सी एस टी के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है 5 ईयर्स, और इसके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहता है। ओके, एक सर्विस मैन के लिए भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, हाँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या लगने वाला है, स्टाफ नर्स ग्रुप बी पोस्ट है ये। ओके, आपको बीएससी नर्सिंग 4 साल का और पीबीबीएससी नर्सिंग 2 साल का प्लस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, अगर ये है ठीक है, अगर और में भी दिया है, अगर जीएनएम हो तो जीएनएम विद 2 ईयर्स ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है स्टेट का और सेंट्रल का, इसका इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। ठीक है, ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद देखेंगे ग्रुप बी की पोस्ट है, यहाँ पे सब, यहाँ पे फीस नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। ये वेबसाइट में जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, ये पूरी ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे आपको एज आपकी मैक्सिमम एज कितना है 40 एंड मिनिमम 21, इसके बीच में अगर आ रहे हो आप, आपको फॉर्म भरना है एज रिलैक्सेशन एज पर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ओके ठीक है, देन हम देखेंगे आगे क्या दिया है, स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होने वाले, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपकी सीआरटी के द्वारा होने वाली है, सीआरटी मीन्स कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाली है। ठीक है, ये जल्दी ही हो जाएंगी, विद इन 1 से 1.5 महीने में इसकी एग्जाम हो जाएंगे। हॉल टिकट आपको एचजीपीजेआईएमएस की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ओके, ड्यूरेशन, ओके एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का होने वाला है, 100 MCQs रहने वाले हैं उसमें, उसमें से 80 MCQ नर्सिंग की थ्योरी से रिलेटेड रहेंगे। ओके, 20 MCQs आपके प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग दैट इज क्लिनिकल एरिया से, क्लिनिकल एरिया से आपके एमसीक्यू बनने वाले हैं। ओके, उसमें से 10 MCQ आपके किसके रहेंगे, कोविड के रहेंगे। ठीक है, कोविड के रहेंगे, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। सिलेबस आपकी वेबसाइट में आ जाएगा, आप वेबसाइट देखते रहिए, पहले फॉर्म भर दीजिए। लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। अगर ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो 40% आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35% SC ST OBC को लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स 100 में से 40 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए लगने वाले हैं। ओके, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35 मार्क्स आपको कितने SC ST OBC के लिए लगेंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आपके मार्क्स के आधार पे लगने वाली है, कैटेगरी के हिसाब से लगने वाली है। ऑल द रिक्रूटमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन रेगुलेटेड बाय द यूपी गवर्नमेंट ओनली है। ओके, AGPJ इट्स ऑथोराइजिंग एजेंसी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ओनली। ठीक है, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपको पूरा आपको मैं बता दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। AGPJ का जो वैकेंसी है वो अलग है और ये वैकेंसी अलग है। ये वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की वैकेंसी है, जैसे महाराष्ट्र में DMERE डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन रहता है, वैसे वहाँ पे स्टेट मेडिकल ये इसके अंडर में आती है, जो भी मेडिकल कॉलेजेस है वो वही फॉर्म निकले हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी है, नियर अबाउट 2000 वैकेंसीज है यहाँ पे। तो आपको मैं एक निवेदन करूँगा, अगर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने ज़रूर ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मुझे मेरे ही स्टेट में मेरे ही घर के पास मुझे जॉब मिल जाए। आप चल पहले तो यहाँ पे अप्लाई करिए, एग्ज़ाम क्रैक करिए, यहाँ पे मिलता है तो ज्वाइन करिए, उसके बाद अगर आपके घर के पास आपके स्टेट में वैकेंसी मिलती है तो उसके धीरे धीरे आप आपके आपके घर के पास आ सकते हो। पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आपको जॉब अचीव करना, और यहाँ पर सैलरी भी अच्छी है, टोटल सैलरी इसकी जाएंगी कम से कम 75 to 85,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, 75 to 85K सैलरी मिलेगी, तो बहुत बड़ी सैलरी होती है। जल्दी से आपको बोलूँगा कि इसके एग्जामिनेशन, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और पढ़ाई पे लग जाइए। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।